हाय गुड मॉर्निंग गाइस क्या हाल है सभी लोगों के कैसी चल रही है सबकी 45 डेज ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को तीन चार दिन से है ना थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी वायरल चल रहा है जो जिस वजह से मैं वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पा रहा था डायट अच्छे से नहीं ले पा रहा था काफ़ी टाइम रेस्ट कर रहा था और कुछ कुछ काम चल रहा है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा जिस वजह से इतना ज्यादा थक जा रहा था कि थोड़ा सा रूटीन बिगड़ गया था और लास्ट टाइम हमने 200 सौ के जी फेल कर दी थी आज डेडलिफ्ट करने वाला हूँ पहले से मेरा मन था कि मैं लाइट लाइट वेट उठाऊंगा पर मेरा मन नहीं माना मैंने सोचा कि आज ही के दिन आके ट्राई करता हूँ जो पहले फेल किया था उसको आज वापस ट्राई करूंगा दिल से थैंक यू बोलना है आप सभी लोगों की हमारे टू मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं छह साल पहले जर्नी शुरू करी थी इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच और वो टू मिलियन वाले वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है तो वो जरूर देखना जो इसके बाद में आएगा वायरल होने के बाद में तबियत सही थोड़ी सी हो गई है मेरी उसके बाद में पहला डेडलिफ्ट सेशन है और एक चीज़ आपको बतानी थी कई सारे लोग ऐसे तबियत खराब होने के बाद में जब आते हैं ना जिम में तो उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत वीक हो चुके हैं वेट नहीं उठेगा ही नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल बहुत थोड़ा सा होता है मेंटली हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं जिस वजह से हम शायद वेट नहीं उठा पाते हैं या ऐसा लगता है हमें कि यार नहीं उठेगा तो फिर ऑब्वियसली नहीं उठेगा क्योंकि पहले हमारे बॉडी से पहले हमारा माइंड अगर हार जाता है तो फिर बॉडी भी हारी जाएगी क्योंकि बॉडी बहुत चीज़ों की कैपेबल होती है तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में फिज़िकली वीक होते हो आपकी बस मेंटली रहता है और आज पुराना वाला जो मैंने फील किया था दो सौ उसको पुश करने वाला हूँ मैं और उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे और अगर पी अपना तोड़ने की बात चल रही है तो प्री वर्कआउट भी अच्छे से लेना है मैं लेने वाला हूँ रेथेक्स का एक स्कूप प्री इसके अंदर जो आर जे नाइन और सेट्रोलिन का कॉम्बो है वो आपको पंप में बहुत अच्छे से हेल्प करता है ऑल्सो मुझे इसकी अच्छी बात ये लगती है जो मोस्टली ख़राब क्वालिटी के वर्कआउट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं आपको एकदम से ऊपर लेके जाते हैं हाइप करते हैं और फिर क्रैश हो जाते हैं ना तो फिर एकदम से अजीब फील होने लग जाता है बट इसकी खास बात ये कि ये सस्टेन करता है आपको पूरे थ्रू आउट द वर्कआउट आपको अच्छे तरीके से एनर्जी देता है आपका पंप बनाए रखता है और आपका फोकस बनाए रखता है इसके हर एक सर्विंग में आपको दो सौ एम जी तीन हजार एम जी सिट्रोलिन और साढ़े सात सौ एम जी आर्जेनाइन मिलता है और एक गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए कि मसल ब्लेस पर साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है जहां पर आपको सारे सप्लीमेंट्स और बहुत ही भारी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं काफी सारे गिवअवेज भी हैं और काफी सारे न्यू लॉन्चेस हैं जिसमें रेथेक्स का न्यू वुडू ब्लैक फ्लेवर भी लॉन्च हुआ है उसको चेकआउट करना मत भूलना है और चेकआउट करते वक्त अपने भाई का कोड आनंद थर्टी का इस्तेमाल करना मत भूलना मेरे पूरे स्टैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो अब वर्कआउट शुरू करते हैं तो so गाइज़ मैं आप लोगों को सात मिस्टेक बताने वाला हूँ जो बिगिनर्स करते हैं क्योंकि मैंने देखा कई बार कई नए लड़के जिम ज्वाइन करते हैं और कई सारी ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिन वजह से उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है अगर आप नया जिम ज्वाइन करने वाले हो या आपको कुछ टाइम ही हुआ है जिम ज्वाइन करे हुए फर्स्ट नंबर पॉइंट है नॉट ईटिंग अकॉर्डिंग टू योर बॉडी अब क्या करते हैं ना जो भी पतले लोग होते हैं पतले लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं जब भी जिम जाना शुरू करते हैं उनको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा बल्किंग के लिए खाना शुरू करते हैं वो काउंट नहीं करते हैं कि उनको कितनी कैलोरीज लेनी है उनकी कितनी मेंटेनेंस कैलोरीज है यही फैट लोगों के साथ में होता है वो सोचते हैं कि वो फैट लॉस करने के लिए उनको कम खाना खाना है पर वो जो खा रहे होते हैं यूजुअली उसमें तो थो थोड़ा बहुत कम करते हैं तो उनको लगता है कि यार वो डाइट पर आ चुके हैं बट ऐसा नहीं होता है आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज देखनी है अगर जिसको वेट गेन करना है उसको बढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग ही जिसको फैट लॉस करना है उसको कैलोरीज अपनी कम करनी है मेंटेनेंस कैलोरीज से और उस अकॉर्डिंग एक प्लान बना के आपको वैसे आपको अपनी मील्स लेनी है अदरवाइज़ आप अच्छे तरीके से डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे लंबे टाइम तक और रिजल्ट भी नहीं देखोगे दूसरी मिस्टेक है ओवर ट्रेनिंग बिगिनर्स को ये लगता है कि यार ये बॉडी बिल्डर्स इतना पसीना भा के बॉडी बनाते हैं इतने तरीके से खतरनाक हार्ड कोर मसल दिख रहे होते हैं उनके इतना मोटिवेशन आ जाता है कि जिम में जाके इतना तीन तीन चार चार घंटे लगे रहते हैं इतनी ओवर ट्रेनिंग नहीं करनी होती है आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है अपने कुछ कुछ सेट्स करने हैं जो प्रॉपर प्लान में दिए जाते हैं कि यार इतने इतने एक्सरसाइज करने हैं जो मैंने डाल के रखे हुए हैं ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट दिख जाएगी आपको जो मैंने बिगिनर सीरीज एडवांस बिगिनर सीरीज़ बताई हुई है उसमें आपको लिमिटेड सेट्स करने होते हैं लिमिटेड सेट्स में आपके लिमिटेड रैप्स होते हैं उतने आपको फॉलो करने होते हैं जिससे आपके मसल ब्रेक डाउन हो पाए और फिर वापस से रिकवर हो पाएं ज़्यादा आप परेशान करोगे अपने मसल को तो ऐसे ग्रो नहीं होते मसल्स आप बस थक हार के घर पे चले जाओगे डाइट ले नहीं रहोगे ढंग से तो फिर वो रिजल्ट नहीं दिखते हैं तो फिर आपका डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है इसलिए ओवर ट्रेनिंग किसी को नहीं करनी चाहिए चाहे वो फैट लॉस कर रहा हो चाहे वो वेट गेन कर रहा हो थर्ड नंबर पॉइंट है नॉट हैविंग अ प्लान अब अगर आपके पास में एक अच्छा वर्कआउट प्लान नहीं है एक अच्छा डाइट प्लान नहीं है तो आप लंबे टाइम तक स्टिक नहीं रह पाओगे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप ये सोचकर स्टार्ट कर देते हो कि मैं जो खा रहा हूँ बस इसको अच्छा कर लूँगा जो वर्कआउट कर रहा हूँ इसमें ऐसा ऐसा करते चले जाऊँगा ऐसे काम नहीं चलता है आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप जिम जाने से पहले क्या करने वाले हो आपके पूरे वीक का शेड्यूल डिसाइडेड होना चाहिए उसी के साथ में आप दिन भर क्या डाइट लेने वाले हो ये पूरी एक प्लान होना चाहिए आपके पास में कि जिससे आपको पता रहे कि आप इतने टाइम तक कैसे फॉलो करने वाले हो उसके बाद में आप अपनी स्प्लिट चेंज करोगे अपना डाइट प्लान चेंज करोगे जिससे अंदर आपके एक डिसिप्लिन बना रहता है वरना आपके पास में अगर प्लान नहीं होता है आप कल को कुछ और भी खा लोगे सोचोगे इसकी जगह ये खा लेता हूँ मैंने ये नहीं ये छोड़ दिया तो ये कर लेता हूँ आप अच्छे तरीके से डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे इसलिए एक वर्कआउट प्लान एक डाइट प्लान आपके पास में होना ज़रूर चाहिए अगर आपको चाहिए तो मैं अपने फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो अपने एडवांस बिगिनर सीरीज बिगिनर सीरीज वर्कआउट सीरीज जो मैंने बनाई हुई है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दू वहां से आप चेकआउट कर लेना जिससे आप बिल्कुल भी भटको नहीं अपने प्लान्स को लेकर फोर्थ नंबर पॉइंट ये मैंने लोगों को बहुत सारे लोगों को देखा है जो जिम में एंटर कर रहे होते हैं उस वक्त बनाना खाते हुए आते हैं और एक्सरसाइज करने से पहले डस्टबिन डाला बनाने के छिलका और वर्कआउट स्टार्ट कई सारे लोग डेड लिफ्ट कर रहे हैं मतलब सोच रहे हैं कि डेड लिफ्ट है स्क्वाट है आज तो अच्छे से खासी काप से और जिम में एंटर करते हो खा भाई जब तक आप पूरे स्क्वाड का सेट लगा लोगे और तब जाके वो डायजेस्ट होना शुरू होगा तरीके से मतलब डायजेस्ट हो चुका होगा आते आपको एनर्जी थोड़ी ना दे देगा बनाना तो इसलिए अपनी प्री वर्कआउट मील जो होती है ना आधा एक घंटा डेढ़ घंटा पहले ली जाती है ऐसा नहीं कि आप बस जिम पहुंच गए वहाँ पे बैठ के बनाना खा रहे हो ये सबसे बड़ी गलती चाहे फैट लॉस करो वेट गेन करो जिम में घुसने के बाद कुछ मत खाओ अगर वर्कआउट स्टार्ट जल्दी से करने वाले हो अपने वर्कआउट से एक से डेढ़ घंटे दो घंटे पहले प्री वर्कआउट मील लो इस जब वर्कआउट करने जा रहे हो खाना वो डाइजेस्ट हो चुका हो ऐसा नहीं कि आपके पेट में रखा हुआ पता चलेगा वर्कआउट कर रहे हो ना आप बीच में अगर सांस ज़्यादा भरी घबराहट सी हुई ना तो आपको उल्टी और हो जाएगी ऐसा कई बार हो जाता है फिफ्थ नंबर पॉइंट वेइंग स्केल अब बिगिनर्स के साथ सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो जिम में जाते हैं वेइंग मशीन होती है उस पर जाके खड़े होते हैं अपना वेट देखते हैं कि आज यार फिफ़्टी फोर है ठीक है अगले दिन जाते हैं अगले दिन दिख रहा है फिफ्टी थ्री हो गया मैं तो वेट गेन कर रहा था हो सकता है कि आप कुछ खा पी के चले गए हो कभी भी जिम में जाने पर जब भी आप शाम को जा रहे हो कई लोग दिन में जा रहे होते हैं कई लोग सुबह जा रहे होते हैं आपका वेट फ्लक्चुएट करता ही करता है वैसे भी आपका एम्प्टी स्टमक भी थोड़ा फ्लक्चुएट थो करता है पर आप दिन में जा रहे हो शाम को जा रहे हो उधर के वेट को मेजर करते हो और उधर से अपनी ग्रोथ को मेजर करते हो वो गलत करते हो और कई सारे लोग इस चीज को देख के डिमोटिवेट भी हो जाते हैं क्योंकि कभी उनको वेट जो वेट गेन कर रहे हैं उनको वेट कम दिख गया हो सकता है आपने कम खाया होगा हो सकता है कि अपना पेट खाली करके आ रहे हो घर से और जो फैट लॉस कर रहे हैं उनको बड़ा हुआ दिख जाता है मे बी अपने पानी

बट बीच में आके प्लेटो भी हिट करता है वहाँ पर डिमोटिवेट मत हुआ करो बॉडी आपकी वर्क कर रही होती है धीरे धीरे वो वापस से टूट जाता है जैसे आप स्प्लिट चेंज करते हो कुछ चेंज करते हो और फिर वापस से स्टार्ट हो जाता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो प्लेटो हिट जब करता है मतलब आपकी ग्रोथ आपको लगता है कि रुक गई है वो भी समय निकल जाता है उस टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना है आपको सिक्स नंबर पॉइंट वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग आप जब भी वर्कआउट करने के लिए जा रहे हो ध्यान रखो कि आप वार्म अप अच्छे से करो क्योंकि तो अगर आप वार्म नहीं करते हो तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं आपने देखा हो कई सारे बेगनर तीन महीने छः महीने हुए हैं उसके बाद में कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है उनको और बैठ रहते हैं मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि यार अब मैं ये नहीं कर पाता मेरी बैक में एल फोर में ये हो गया मेरे ट्रैप में यहाँ पर ये यह चीज़ हो गई बैक में यहाँ इंजरी आ गई शोल्डर में आ गई क्योंकि आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे होते और उसके बाद में जब वेट उठाते उठाते एक बार में झटका लग जाता ना जब आपको तब आपको समझ में आता है यार ये चीज़ करनी चाहिए थी इसलिए मैं अभी से बता रहा हूँ हमेशा वॉमप करो वर्कआउट के बाद मैं स्ट्रैचिंग करूँ जबकि तो मोबिलिटी में हेल्प करे मैंने अपनी अर्ली स्टेज में जो बहुत मिस्टेक करी कि मैंने ना कभी भी अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग नहीं करी जिसकी वजह से मेरी बॉडी भी बहुत स्टिफ हो चुकी है और मुझे मोबिलिटी में प्रॉब्लम आती है मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैं ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको फ्लेक्सिबल नहीं हो मुझे भी वापस से योगा क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा जिससे अच्छे तरीके से मैं वापस अपनी बॉडी के अंदर मोबिलिटी ला पाऊँ प्रैक्टिस कर करके तो ध्यान रखना आप लोग वार्मअप और स्ट्रेचिंग मिस ना करें एंड गाइज लास्ट पॉइंट अगर आपको अच्छे तरीके से अपने मसल्स बनाने हैं ना और चाहते हो कि इधर ही असर आए अच्छे तरीके से तो अपनी फॉर्म पर ध्यान दे लेना ईगो लिफ्टिंग मत करना आपको अगर लगे कि आप इतना ज़्यादा वेट उठा पा रहे हो तो चेक कर लेना कि आप फॉर्म सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मेरी जो बिगनर सीरीज है एडवांस बिगनर सीरीज है मोस्टली सारी एक्सरसाइज दिखाई है दूर दूर से दिखाई हैं आप एक एक एक्सरसाइज जो जो फॉलो कर रहे हो उसकी फॉर्म चेक कर लेना या जो जो एक्सरसाइज मेरी वीडियोज़ में नहीं भी है तो अलग से सर्च कर लेना यूट्यूब पर गूगल पे कि यार पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज की फॉर्म क्या है और वो आपको बता देगा गूगल तो अपनी फॉर्म ख़राब मत करना क्योंकि क्या होता है कि फॉर्म ख़राब करने की वजह से अगर कर लेते हो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो आप बहुत बाद में भी ना गलत फॉर्म में वर्कआउट कर रहे होते हो जिस वजह से आपको बहुत दिक्कत आती है और आप फिर उसको चेंज नहीं कर पाते हो आपने अगर किसी तरीके से स्क्वाट लगाना सीख लिया ना और वहाँ पर आप सौ के जी एक सौ बीस के जी एक सौ चालीस के जी एक सौ साठ के जी लगाना सीख गए तीन साल दो साल के अंदर अब जब एक सौ अस्सी पर आ चुके हो और आपको लग रहा है कि मैं तो गलत लगाता था, था यार ये फॉर्म सही नहीं थी तो वापस से एक नई फॉर्म सीखने में टाइम लगता है थोड़ा सा और आपको बहुत इरीटेटिंग भी लगी क्योंकि एक नई चीज़ सीखना दोबारा से सी। जब आप कैपेबल हो ज़्यादा वेट उठाने के एंड जस्ट बिकॉज आपको फॉर्म से ही करनी है तो आप कम वेट से स्टार्ट करते हो और फिर बुरा लगता है ऐसे मैंने क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं ऐसे भी कई सारे तो नहीं कुछ कुछ ही हैं जिनकी फॉर्म अगर ख़राब भी है किसी चीज़ में और वापस से उनको दूसरा मतलब अच्छी फॉर्म में लगाने को भी बोला जाए ना तो क्या हो जाता है कि मन नहीं करता उनको वापस अपनी मेन फॉर्म पे आ जाते हैं क्योंकि उसमें वेट ज़्यादा अच्छे से उठा पाते हैं फिर बाय टाइम माइंड मसल कनेक्शन भी ऐसा ही बन जाता है कि वो फॉर्म से ही उनके मसल हिट हो रहे होते हैं अच्छे तरीके से बट एग्जैक्ट जो फॉर्म है उसी से आप स्टार्ट करोगे वही सीखोगे उसी को अपनी बॉडी के अंदर आदत में डालोगे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है तो इन बातों का ध्यान रखना अगर आप एक बिगिनर हो इंटरमीडिएट भी हो और अगर आप इंटरमीडिएट भी हो और अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो ध्यान रखो क्योंकि कई सारे इंटरमीडिएट जो लोग होते हैं उनसे भी ये मिस्टेक्स हो जाती हैं तो अच्छे तरीके से सही चीज़ों को फॉलो करो बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना थैंक यू सो मच वॉचिंग लव यू ऑल पीस। वापस से योगा ठीक है